हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है यार आप सभी का एक बार फिर से। रिसेंटली मेरी दो तीन लोगों से भाई इंस्टाग्राम पे बात हो रही थी, तो सभी ने एक ही सवाल पूछा था भाई कि टॉपिक किस तरीके से ढूंढते हो आप, कैसे फाइंड आउट करते हो इतना कंसिस्टेंसी के साथ में। भाई हमारे पास टॉपिक ही नहीं मिलते, मतलब हमें वीडियो बनाने के लिए। वीडियो तो हम भी बना सकते हैं, तो आज के वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। सीरियसली मेरा जो ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है ना, वही आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं पहले क्या किया करता था। अब भी तो क्या होता है, जैसे मेरा चैनल है तो मेरे पे अभी कमेंट आने लगे हैं भाई, तो लोग इतने सारे सवाल करते हैं कि अगर मैं उनमें से भी उन सवालों के जवाब भी दूँ ना, तो भी मेरे पास टॉपिक की कभी कमी नहीं पड़ेगी। बट मैं वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं पहले क्या किया करता था। तो सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो को, क्यों टाइम पास करना। लेकिन उससे पहले नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यार, पुराने हो तो बेल आइकन को चेक कर लो, दबा रखा है या नहीं, नोटिफिकेशन नहीं जाता लोगों के पास में। फिर मैं सोचता हूँ यार सब्सक्राइबर इतने हैं, व्यूज पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। देखो यार, सबसे इम्पोर्टेंट टिप तो यही है कि अगर आप जिस कैटेगरी में वीडियो बनाते हो ना, उस कैटेगरी में सीरियसली आपको मज़ा आता है, आपने किसी को देख के स्टार्ट नहीं करा। अगर देख के स्टार्ट करा होगा तो 20, 30, 50 वीडियो तक बनेगी आपसे। एक ना एक टाइम पे वो पॉइंट आएगा जब आपके पास वीडियोज़ के टॉपिक मिलना बंद हो जाएंगे, बिकॉज आपने किसी की कॉपी करना स्टार्ट करा था भाई। लेकिन अगर आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है उन चीज़ों में, जनरली आपको एक्सपीरियंस है उस चीज़ के बारे में, तो आप ढूंढ लोगे भाई टॉपिक, कहीं ना कहीं से ढूंढ लोगे। पहली चीज़ तो यही है कि चैनल आपका आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए, जिस कैटेगरी में आप वीडियो बनाओ। सबसे रामबाण तो भाई यही है, यही नहीं होगा तो बाकी चीज़ें काम नहीं करेगी। चलो इस चीज़ को साइड में रखते हैं। दूसरी चीज़ यार देखो, जब भी हम जनरली, जाहिर सी बात है, आप किसी भी टॉपिक पे सोच लो, किसी भी टॉपिक को आप लगभग यूट्यूब पे सर्च करोगे तो उस पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है भाई, ऑलरेडी किसी ना किसी ने वीडियो बना रखी है। जैसे मेरा टेक कैटेगरी में चैनल है, ओके, मैं मेरा एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। आपका जिस भी कैटेगरी में, आप अपने आप से रिलेट कर सकते हो उस चीज़ को। अभी मेरा टेक कैटेगरी में, जब भी मैं यूट्यूब देखता रहता हूँ, तो ऐसे काफ़ी सारे चैनल्स हैं यार जो अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैं उनके भी वीडियोज़ देखता रहता हूँ, वो मेरे सजेशन में आते रहते हैं। तो ऐसी कुछ भी नई अपडेट आती है तो वो वहाँ से पता लगती रहती है। इस तरीके से मतलब जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो ना, जैसे जिस भी कैटेगरी में काम कर रहे हो, उसके आसपास आपको हमेशा रहना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं कि सीधा उठे, वीडियो बना दी, शूट करके डाल दी और बाद में कुछ पता नहीं। बाद में भी थोड़ा बहुत उसके आसपास दिमाग लगाना रहता है भाई, 24 घंटे में से बाकी 4-5 घंटे भी सोचना रहता है कि नेक्स्ट डे मैं किस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊंगा। फिर उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करनी होती है ताकि अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाए। और तीसरी और सबसे मेन बात है देखो, जो ज़्यादातर मैं यूज करता हूँ, अभी मान लो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ कि टॉपिक कैसे ढूंढे, या फिर मैंने पास में कोई भी वीडियो बनाया, क्या उस पर कोई वीडियोज नहीं है, ऑलरेडी है ना। लेकिन मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि मैं बढ़िया तरीके से समझाता हूँ, बजाय उन लोगों के जिन्होंने वीडियोज बना रखी है, तो वो मेरी वीडियो को देखना पसंद करते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, ना कि उन लोगों की वीडियोज को। तो आपका समझाने का तरीका, आपका बताने का तरीका एकदम यूनिक, अलग होना चाहिए। तो फिर लोग, भले ही 100 लोगों ने उस टॉपिक पे वीडियो बना रखी हो भाई, आपके पास ऐसे बंदे होंगे जो आपकी ही वीडियो आके देखेंगे, उन्हें पता है कि इस चैनल से मुझे जो समझ आएगा वो मुझे किसी और चैनल से नहीं समझ आने वाला। तो या तो आप अपने समझाने के तरीके को इतना सिंपल और मज़ेदार रखो कि लोग आपके पास आएँ, या फिर इतना सटीक रखो। पहले क्या होता था, जनरली आप देखे होंगे 18-19 का टाइम था जब लोग काफ़ी सारे रामायण करते थे भाई। पहले एक तरीके से मतलब रामायण का मतलब ये है कि हेलो दोस्तों, स्वागत है, ये सब चीज़ें लंबी सारी, फिर इंट्रो चलाते थे, उसके बाद चलता था। लेकिन आजकल का टाइम ऐसा है मेरे हिसाब से कि लोगों को वो सब देखने का टाइम नहीं है। अगर वो सब चीज़ें ऐड करोगे अपनी वीडियो में, लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसलिए मैं सीधी मुद्दे की बात करता हूँ, बस टॉपिक बता के सीधा स्टार्ट करता हूँ उस पर। तो ऐसा कुछ भी तरीका हो सकता है भाई आपका। तो अगर इस तरीके से आप लोगों को समझाओगे तो भी लोग आपकी वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय किसी और। तो ये तीन चीज़ें होगी। आई होप सो कि अगर तीनों चीज़ों को आप अप्लाई करोगे ना यार, डेफिनेटली आपको टॉपिक की कभी कमी महसूस नहीं होगी। अपनी कैटेगरी के आसपास रह के ही आप देख सकते हो, टॉपिक आपको मिल जाएंगे, किस टॉपिक पे आपने वीडियो नहीं बना रखी है, किस पे आप बना सकते हो, जो किसी और ने बना रखी है वहाँ से टॉपिक उठाओ, उस पर खुद से रिसर्च करो भाई, और खुद की मेहनत लगाओ उस वीडियो के, उस टॉपिक पे खुद से रिसर्च करो, अच्छी जानकारी लाओ। जो उसने नहीं बता रखी, किसी और ने नहीं बता रखी, वो आप बताओ। अगर सारी इन्फॉर्मेशन उसने बता रखी है तो किसी अलग तरीके से बताओ, कुछ ना कुछ करो लेकिन थोड़ा सा अलग करो, तो डेफिनेटली आप दोबारा से उस वीडियो को डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आई होप सो कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कुछ कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स आपके सवालों के लिए खाली है, मैं डेफिनेटली वहाँ पर रिप्लाई करता हूँ अगर मुझे कोई जेन्युइन सवाल दिखता है तो। और बाकी कुछ लंबी चौड़ी बातचीत करनी हो तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके क्लिक करके फॉलो करना हो, फॉलो भी कर सकते हो यार, कर देना भाई। चलो मिलते हैं फिर आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।